हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फूडी कुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मैक्रोनी ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और चीज़ी रेसिपी है, तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 2 कप पानी डालेंगे और उसे उबालेंगे। देखिए, पानी उबल चुका है। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच नमक और 1 छोटे चम्मच तेल डालेंगे और इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे और उसको बॉयल होने देंगे। हमें बीच बीच में मैक्रोनी को चलाते रहना है, वरना वो कढ़ाई पे स्टिक हो जाएगी। मैक्रोनी बॉयल हो गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच बटर का लेंगे और 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से कढ़ाई में फैला लेंगे। हमें गैस की आँच धीमी रखनी है। अब हम इसमें 1 कटा हुआ प्याज और 1 कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। मैंने इसको 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे। वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच बटर का डालेंगे और उसको पूरी कढ़ाई में स्प्रेड कर लेंगे। अब हम बटर में 1 चम्मच मैदा डालेंगे और मैदे को बटर में अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अब हमें 1.5 गिलास दूध का लेना है और थोड़ा थोड़ा करके मैदे के मिक्सचर में डालना है। अगर हम एक साथ डाल देंगे तो उसमें लम्स आ जाएंगे, इसलिए हमें एक स्मूथ सॉस चाहिए। अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लहसुन पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी मिक्स हर्ब डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारी व्हाइट सॉस तैयार है। अब हम इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डालेंगे और मैक्रोनी को अच्छी तरीके से 1 मिनट के लिए सॉस में कुक कर लेंगे। अब हम मैक्रोनी में नमक डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम टोमेटो केचप लेंगे और उसमें 1 छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच मिक्स हर्ब और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे और हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और उसकी दोनों साइड पे अच्छे से बटर लगा लेंगे। अब 1 चम्मच हम अपनी सॉस लेंगे और उसको अच्छे से ब्रेड पे लगा लेंगे। पूरी ब्रेड को हमें सॉस से कवर कर लेना है। अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। हमने ब्रेड पे मैक्रोनी रख दी है। अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स जो हमने सॉटे करी थी वो रखेंगे और उसको अच्छी तरीके से हर साइड पे स्प्रेड कर देंगे वेजिटेबल्स को। अब इसमें हम ग्रेटेड चीज़ ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच बटर हम तवे पे स्प्रेड कर देंगे और अब उसमें अपना मैक्रोनी ब्रेड पिज़्ज़ा रखेंगे और उसे कवर कर देंगे जब तक चीज़ मेल्ट ना हो। मैक्रोनी ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार है। देखिए ये कितना चीज़ी लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, इसे घर में ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे इजी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल फूड कुक।